महासचिव रह चुके शाहिद सिद्दीकी का कहना है कि मुलायम सिंह मुसलमानों को बरगला रहे हैं, मुलायम सिंह मुसलमानों को केवल चुनाव के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। बहरहाल सियासी बयानों से साफ हो चुका है कि चुनाव कितनी भी दूर हो मगर कोई भी पार्टी बयान देने में पीछे नहीं रह रही है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज कई योजनाओं की घोषणा की। यूपी में सड़कों के निर्माण पर 7,000 करोड़ का निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। अखिलेश ने यह भी कहा कि पावर सेक्टर में बड़ा बदलाव होगा। इतना ही नहीं, अखिलेश ने बिजली के निजीकरण करने के भी संकेत दिए और 2013 तक ट्रेड की टैक्स ऑनलाइन करने की बात भी कही। अखिलेश ने सारी बातें सीए के स्टूडेंट के राष्ट्रीय सेमिनार में कही। उत्तर प्रदेश की बिगड़ती बिजली व्यवस्था के लिए सूबे के मुख्यमंत्री ने पूर्व की माया सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सूबे में बिजली के निजीकरण के भी संकेत दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि सूबे की सरकार राज्य के विकास के लिए तत्पर है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी के सड़कों के लिए 60% धन खर्च करने का भी ऐलान किया। काले धन और भ्रष्टाचार पर आंदोलन करने वाले बाबा रामदेव पर कस्टम विभाग ने अपना शिकंजा कस दिया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम इंटेलिजेंस ने बाबा रामदेव के भारत स्वाभिमान ट्रस्ट को एक नोटिस जारी किया है। नोटिस के जरिए बाबा रामदेव से उनके कुछ दिनों पहले हुए अनायास खर्च का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। आपको बता दें कि 9 से 14 अगस्त के बीच दिल्ली में बाबा रामदेव का आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में देश के कोने कोने से लोग बाबा रामदेव को समर्थन देने दिल्ली पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि इस आंदोलन की तैयारियों के दौरान कस्टम विभाग की नजरें बाबा रामदेव पर थीं। सूत्रों के मुताबिक कस्टम के अधिकारियों ने तैयारियों के दौरान खुफिया तरीके से खर्च की जानकारी जुटाई थी। ऐसे में बाबा रामदेव से उनके आंदोलन का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर शुरू हो गई है एम्स पर राजनीति। विधानसभा सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश में कई एम्स खोलने का दावा करने वाली कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एम्स खोलने का ऐलान कर चुकी है और उस समय विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी ने एम्स के लिए रायबरेली में जमीन भी दे दी है। लेकिन अभी भी समाजवादी पार्टी समेत सभी विपक्षी दल कई और एम्स की जरूरत को दोहरा रहे हैं। कभी एम्स को रायबरेली में खोलने का विरोध करने वाली सपा अब खुलकर विरोध तो नहीं कर रही है, हाँ ये जरूर कह रही है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखकर कई और एम्स खोला जाना चाहिए। दूसरी तरफ प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि रायबरेली में एम्स खुले ये बेहतर है, लेकिन प्रदेश के कई इलाके हैं जहां स्वास्थ्य सेवाएं बुरी हालत में हैं, वहां पर भी एम्स की स्थापना होनी चाहिए। बहरहाल कभी एम्स के मुद्दे पर कांग्रेस का विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आ रही है। कानपुर देहात में एक महिला के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। रेप का आरोप होमगार्ड के एक सिपाही और उसके एक साथी पर लगा है। पड़ोसी से हुए विवाद की शिकायत करने के बाद जब पीड़ित महिला वापस घर लौट रही थी तभी अमराहट थाने में तैनात होमगार्ड का सिपाही राजवीर सिंह अपने एक साथी के साथ महिला को इंसाफ देने की बात कहकर उसे अपने साथ ले आया। इसके बाद सिपाही और उसके साथी ने महिला के साथ गैंग रेप किया। महिला के शोर मचाने के बाद दोनों सिपाही उसे धमकी देकर भाग गए। इस घटना के बाद जब महिला आरोपी सिपाहियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने थाने पहुंची, तो पुलिसकर्मियों ने इस मामले पर पर्दा डालने के लिए बिना शिकायत दर्ज किए ही महिला को वापस भेज दिया। इसके बाद महिला इंसाफ की गुहार लेकर पुलिस के आला अधिकारियों के पास पहुंची। आला अधिकारी को जब इस मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में अमराहट थाने के एसओ को सस्पेंड कर दिया गया है। बांदा में उधार के पैसे वापस मांगने पर तीन भाइयों ने मिलकर अपने चचेरे भाई को गोली मार दी। ये घटना अजीतपारा गांव की है जहां चंदन सिंह नाम के शख्स की उसके ही भाइयों ने हत्या कर दी। चंदन सिंह गांव में ही किराने की दुकान चलाता था। इस दौरान उसके चचेरे भाई चंद्रभान, राजा और छेरीहा उसके दुकान से उधार सामान ले जाया करते थे। जब चंदन ने अपने उधार के 800 रुपए वापस मांगे तो तीनों भाइयों ने मिलकर चंदन की हत्या कर दी। आगरा में एक बार फिर नवविवाहिता दहेज की भेंट चढ़ गई। इस बार मामला थाना इत्मादुल्ला के गुलाब नगर का है जहां दहेज के लोभी ससुराल वालों ने आज मोना को गला घोंटकर पहले मार दिया फिर उसे पंखे से लटका दिया। ये सब आरोप लगाए हैं खुद मृतका मोना के पिता राजकिशोर ने। मृतका के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को दहेज के लोभी ससुराल वालों ने हत्या कर पंखे से लटका दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले जाँच शुरू कर दी है। देवरिया में गंदगी में किया जा रहा है मासूम बच्चों का इलाज। दिमागी बुखार से जूझ रहे पूर्वांचल में आए दिन मासूमों की मौत हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग नहीं चेत रहा है। गंदगी में मासूमों का इलाज किया जा रहा है। मामला है देवरिया के सरकारी अस्पताल का जहां कूड़े के ढेर पर दिमागी बुखार और डायरिया से पीड़ित मासूमों का इलाज किया जा रहा है। यहां केवल एक बच्चे के बिस्तर के नीचे कूड़े का ढेर नहीं बल्कि पूरे वार्ड में यही हाल है। यही नहीं, कूड़े के साथ जगह जगह पर गंदा पानी जमा है। डॉक्टर भी इसी नरक में मरीजों को देखते हैं। इस संबंध में सीएमएस
प्रभारी का कहना है कि सुनने में आया है कि संविदा सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। अभी नियमित कर्मियों से सफाई करवाते हैं जिससे पूरी सफाई नहीं हो पा रही है। अब सीएमएस साहब ही ऐसा जवाब देंगे तो कहां से हो पाएगी सफाई? क्या इन मासूम बच्चों का इलाज इसी तरह से गंदगी में होता रहेगा? बरेली में अपतंग से फैलाई जा रही है नफरत। लोगों के घरों पर नफरत भरे संदेश वाली पतंगें फेंकी जा रही हैं। बीते दिनों बरेली के बिगड़े हुए हालात पर काबू पाने के लिए प्रशासन को काफी जोर लगाना पड़ा। हालात शांत हुए तो खुराफाती तत्वों को अभी राहत नहीं आ रहा है। अभी न सामाजिक तत्वों ने शांति व्यवस्था बिगाड़ने के लिए नया तरीका ईजाद कर दिया है। बरेली का पतंग महोत्सव दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उपद्रवियों ने इन्हीं पतंगों को नफरत का सामान बना लिया है। आजकल बरेली के लोगों की छतों पर पतंगें गिर रही हैं, लेकिन इन पतंगों से भड़काऊ बातें लिखी गई हैं, जिससे लोगों में फिर से दहशत पैदा हो गई है। फिलहाल पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। पुलिस ने इन पतंगों को अपने पास रख लिया है। पुलिस अब उन लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही है जो शहर की शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हरदोई जिले में एक ऐसी माँ सामने आई है जिसने बच्चे को जन्म तो दिया लेकिन उसे पालना नहीं चाहती। दरअसल मैसर आज सुबह अपने नवजात बेटे को एक बाग में तन्हा छोड़कर चली गई। इसी बीच उधर से निकले ग्रामीणों के कानों में जब बच्चे के रोने की आवाज आई तो उनके कदम उस ओर बढ़ गए। लोगों ने बच्चे को उठा लिया और घर ले जाकर नहलाया। इसी बीच लोगों को उसकी माँ का पता चल गया तो वे लोग बच्चे को उसकी माँ के पास ले गए और पुलिस को इसकी सूचना दे दी। पुलिस इस मासूम और उसकी माँ को लेकर थाने आ गई। बच्चे की माँ की माने तो वो बच्चे को पालने में सक्षम नहीं, इसीलिए उसने बच्चे को बाग में छोड़ दिया। प्रदेश सरकार के एक फरमान से कुशीनगर जनपद के सैकड़ों प्राथमिक विद्यालयों में ताला लटकाने की नौबत ला दी है। पहले से शिक्षकों की कमी का दंश झेल रहे इस जनपद की स्थिति 460 शिक्षकों के स्थानांतरण के बाद और भी बदतर हो जाएगी और इन विद्यालयों में पढ़ने वाले हजारों छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। कुशीनगर जनपद में कुल 1777 प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें 2572 अध्यापक नियुक्त हैं, जिनमें से 460 शिक्षकों के तबादले के बाद और कमी हो जाएगी। 2009 में इस जनपद में विशिष्ट बीटीसी के तहत विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा गया था, बावजूद इसके प्रत्येक विद्यालय में एक शिक्षक की ही नियुक्ति हो पाई थी। दरअसल अब प्रदेश सरकार ने इन शिक्षकों को उनके गृह जनपद भेजने का फैसला लिया है जो दूसरे जनपदों से थे। नगर जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र में एक बिन ब्याही माँ सामने आई है। मामला है अकबरपुर थाना क्षेत्र के गंजा गांव का, जहां एक दबंग के बेटे ने एक युवती को हवस का शिकार बनाकर बिन ब्याही माँ बना दिया, लेकिन अब वो इस युवती को अपनाने से इनकार कर दिया। दरअसल युवती सिप्ते नाम के एक दबंग के घर नौकरानी का काम करती थी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो दबंग के बेटे ने मौके का फायदा उठाकर उसे अपने हवस का शिकार बना लिया। जब युवती ने यह सारी घटना अपनी माँ को बताई तब माँ ने पंचायत से गुहार लगाई है। पंचायत ने तय किया है कि बच्चे के प्रसव और उसके पालन पोषण के सारा खर्च आरोपी सिप्ते उठाएंगे। काशीपुर में एक रेस्टोरेंट में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया। इस दौरान रेस्टोरेंट के मालिक और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। शहर के चीमा चौराहे के पास स्थित रेस्टोरेंट में बजरंग दल के कार्यकर्ता खाना खा रहे थे। इसी दौरान वहां एक युवक और युवती आकर बैठ गए। इसी बात पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवक और युवती को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी, जिससे वहां विवाद बढ़ गया और रेस्टोरेंट के मालिक ने मामले को निपटाने का प्रयास किया, पर बजरंग दल के कार्यकर्ता नहीं माने और युवती को रेस्टोरेंट से जाने के लिए कहा। इस दौरान गर्मा गर्मी के बीच रेस्टोरेंट मालिक और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट शुरू हो गई। बदायूं में पीईटी बेरोजगारों ने मांडी आवास द्वीप पर जूता पॉलिश कर विरोध प्रदर्शन किया। इन बेरोजगारों की मांग थी कि जल्द से जल्द टीईटी की मेरिट पर शिक्षकों की भर्ती की जाए। उनका कहना था जब देश के कई राज्यों जैसे हिमाचल, उड़ीसा और राजस्थान में टीईटी की मेरिट के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति हो सकती है तो फिर उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? आखिर प्रदेश सरकार अपनी जीत पर क्यों अड़ी हुई है? सवाल ये है कि सरकार इनकी मांग कब सुनेगी? जालौन के जिला मुख्यालय उरई में बीपीएड बेरोजगारों ने आज सड़कों पर जुलूस निकाला। इन बेरोजगारों ने जालौन के सांसद घनश्याम अनुरागी के आवास का घेराव किया। यही नहीं, उन्होंने केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने बीपीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षक के रूप में नियुक्त न करने का आदेश दिया था, जिसके विरोध में बीपीएड धारक बेरोजगार जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीपीएड डिग्री धारकों का कहना है कि जब प्राथमिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षक ही नियुक्त नहीं होंगे तो सरकार कहां से खिलाड़ी लाएगी और कैसे ओलंपिक में स्वर्ण पदक की उम्मीद करेगी। वहीं दूसरी तरफ सांसद घनश्याम अनुरागी ने बीपीएड बेरोजगारों को भरोसा दिलाया कि वो केंद्रीय मंत्री से बात करेंगे और लोकसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे। वाराणसी के घाटों पर फूल बेचने वाले बच्चों की मदद के लिए एक विदेशी महिला सामने आई है। जनी नाम की यह विदेशी महिला यूएस की रहने वाली है।
भारत घूमने आई जेनी यहाँ के बच्चों के लिए कुछ करना चाहती है। जब जेनी की नज़र इन बच्चों पर पड़ी तो जेनी इनकी मदद करना चाहिए। जेनी चाहती है कि वो इन बच्चों को फोटोग्राफी सिखाए ताकि ये बच्चे आगे बढ़ सके और फोटोग्राफी के क्षेत्र में कुछ कर सके। बच्चों को भी जेनी की ये पहल भा गई, लिहाजा वो भी जमकर जेनी से फोटो खींचने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये बच्चे पूरा दिन जेनी के साथ घूमते हैं और फोटो खींचते हैं। जेनी को भी इन बच्चों के साथ अच्छा लग रहा है। जेनी के साथ इनका गाइड भी मौजूद है जो जेनी और इन बच्चों के बीच सहायक का काम करता है। जेनी की इस पहल से साबित हो गया है कि विदेशी हमारे देश में सिर्फ घूमने फिरने नहीं आते। गोरखपुर में ईद के त्योहार बड़े जोरों शोरों पर है। मार्केट में दुकानें सज गई हैं, लोग अपनी जरूरत की सामानें की खरीदारी कर रहे हैं। धर्म में आस्था के कारण दुकानदारों ने अपने सामानों के दामों को काफी गिरा दिया है, लेकिन महंगाई के मार से ये त्योहार भी अछूता नहीं रह गया। गोरखपुर में ईद के मौके पर सबसे बड़े बाजार समारोह के साथ ही अन्य मार्केट में भी सेवई, कपड़े, सजावट के सामानों का दुकानदारों ने स्टॉल रखा रखा है। इस दौरान दुकानदारों कम फायदा लेकर सस्ते दामों पर अपने सामानों की बिक्री कर रहे हैं। हर इंसान की मंशा होती है कि हर त्योहार पर अपने बच्चों के लिए नए कपड़े एवं सामग्री खरीदकर खुशी मनाए। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश की वजह से कई इलाकों में मलबा भर गया है, साथ ही घरों और दुकानों में भी पानी भर गया है। देहरादून के कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। राजधानी देहरादून के डिफेंस कॉलोनी में कई घरों में गंदा पानी भर गया है, साथ ही एक मंदिर का हिस्सा भी ढह गया है। इसके अलावा राजधानी के जिला जेल में भी पानी भर गया है। बारिश की वजह से सूबे की बिजली व्यवस्था पर भी असर पड़ा है। नदियों में सिल्ट आने से कालागढ़ और मनेरी भारी फेज टू जल परियोजना बंद हो गई है। ऐसे में अब सूबे के लोगों को आपातकालीन बिजली कटौती से जूझना पड़ सकता है। उत्तरकाशी में पिछले कई घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं गंगोत्री राजमार्ग पर हो रहे भूस्खलन से राजमार्ग पर मलबा इकट्ठा हो गया है, जिससे रास्ते बंद पड़े हैं। आज जिला मुख्यालय में हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की बीएड प्रवेश परीक्षा होने की वजह से छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, तो वहीं कई बच्चे इस परीक्षा में शामिल तक नहीं हो पाए। बचाव कार्य में लगे लोगों का कहना है कि इस मार्ग को खोलने में अभी और वक्त लग सकता है। ऋषिकेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से चंद्रभागा नदी उफान पर है। ऐसे में नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। नदी का पानी बस्ती तक पहुंच चुका है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक एहतियात के कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। इन बस्तियों को प्रशासन ने अब तक खाली नहीं करवाया है। लोगों का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन इस मामले में लापरवाही बरत रहा है। कैग की रिपोर्ट के खुलासे के बाद ऋषिकेश में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। कार्यकर्ता ने कोयला घोटाले के खुलासे को लेकर शहर के मुख्य मार्गों पर केंद्र सरकार के खिलाफ जुलूस निकाला और पुतला फूंका। आपको बता दें, कल संसद में कैग की रिपोर्ट के खुलासे के बाद बीजेपी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए पीएम से इस्तीफे की मांग की थी। इस घोटाले से पीएम भी विपक्ष निशाने पर आ गए। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में एक पति ने अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। ईद से ठीक एक दिन पहले सेहरी के वक्त शुरू हुआ झगड़ा पत्नी के मौत के बाद खत्म हुआ। 23 वर्षीय यास्मीन गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में मवई गांव में पति गुड्डू खां के साथ रहती थी। सुबह तड़के सेहरी के वक्त लगभग 3 बजे पड़ोसियों ने गुड्डू के घर में शोर शराबा और यास्मीन की चीखें सुनी। कुछ देर बाद जब गुड्डू के घर में बिल्कुल सन्नाटा छा गया तो पड़ोसियों ने उनके घर झांक कर देखा। वहां बंद मकान में यास्मीन का खून से सना शव पड़ा हुआ था। यास्मीन की कैंची से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद से ही गुड्डू फरार है। यास्मीन के पिता ने गुड्डू के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। घटना के बाद से ही इलाके में दहशत फैली हुई है। पुलिस हत्यारोपी की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। गढ़वाल विश्वविद्यालय की बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए भारी संख्या में छात्र उमड़े, जिससे शहर में अफरा तफरी का माहौल रहा। लेकिन परीक्षा केंद्रों पर हुई लापरवाही के चलते परीक्षार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आयोजन रुड़की के एसजी इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों को कॉलेज प्रशासन की लापरवाही के कारण भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अफरा तफरी के माहौल में शुरू हुई परीक्षा आखिरकार खत्म तो हो गई, लेकिन परीक्षार्थियों की शिकायत थी कि परीक्षा आधे घंटे से देरी से शुरू हुई।
उत्तराखंड के कौसानी में विश्व प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्मदिन मनाया जा रहा है। हालांकि सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 अगस्त को हुआ था, लेकिन सूबे के लोग एक दिन पहले ही उनके जन्मदिन की तैयारियों में जुट गए हैं। पंत न सिर्फ एक प्रतिभावान कवि थे बल्कि एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। सुमित्रानंदन पंत ने 1919 में गांधी के चलाए असहयोग आंदोलन में गांधी जी का पूरा साथ दिया था। पंत जी की याद में कौसानी में एक संग्रहालय भी बनाया गया है, जहां उनकी यादगार चीजों के साथ ही साथ उनकी लिखी कविताएं भी रखी गई हैं। सुमित्रानंदन